राकेश पांडे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो आपका है वाइट फॉरेस्ट, मुझे लगता है इस लोकेशन में ऐसी लोकेशन थी नहीं, लोग तलाश करते थे कि कहाँ जाएं, कहाँ दर्द को ख़त्म करें, कोई तो जगह हो जहाँ बैठकर आराम से सुकून के वो पल मिलें, जहाँ बैठकर दिल की बात कही जाए। तो बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश पांडे जी को। अब कसम खा के कह रही हूँ भैये, मैं भी टीका के साथ यहाँ पर आऊँगा और अपने भुतनी वाले कंजूस सेठ पे लानत भेज के कोल्ड ड्रिंक के 2 जाम लगाऊँगा। व्हाइट फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कभी जाते थे क्लब में तो स्लैग एंट्री होती नहीं थी। हाँ, यहाँ भी कपल ही एंट्री है, लेकिन एक आया दिमाग में कि चलो अपने खुद के भी एक क्लब किया जाए, तो एक जिम से बिजनेस स्टार्ट किए थे नीचे, तो होते होते एक क्लबिंग का लाइन अच्छा मिला, प्रॉपर्टीज थी, तो हमने कहा फिर अपने क्लबिंग ही चालू किया जाए, ताकि जो फन बोलते हैं कि वेस्ट में है वो फन ईस्ट में होना चाहिए, उस हिसाब से ये किया गया है। क्या बात, ये डिफरेंट कैसे होगा जो क्लब है उससे? अब ऐसा है कि एक तो एम्बियंस है, एम्बियंस के साथ साथ स्पेस है, सिक्योरिटीज है, आपको वो स्पेस और एम्बियंस मिलेगा, आपको ये जो आप दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं वो यहाँ आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल अच्छा है, वो कह रहे हैं कि वेस्ट के क्राउड को ईस्ट में कैसे लाएंगे, अपने मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी पेश की जाएगी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, खाने अच्छे दिए जाएंगे, ड्रिंक तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ड्रिंक के साथ जो आज़ादी स्काई और वो सब मिलना है वो आपको यहीं पर मिलेगी खुले छत के नीचे। यंगस्टर को सर कैसे यहाँ पर आकर्षित करेंगे? यंगस्टर के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, डीजे नाइट्स, लाइव इवेंट्स और हर चीज़ों से देखते हुए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, स्पेस प्रोवाइड करेंगे, और उससे यंग जनरेशन को हम चाहेंगे कि वो आए यहाँ पर और अपने आप को एंटरटेन करें यहाँ पर। वेस्ट की अगर बात करें तो पूरा हब वहाँ पे पड़ा हुआ है। जी सर, आपको घबराहट थी या डर था कि यहाँ पर? घबराहट डर तो देखिए, कोई भी चीज़ करने जाओ नई बिजनेस में तो अप एंड डाउन्स और ये चलता है। हमने तो कोविड निकाला है सर, हम तो 2020 में चालू करने वाला था लेकिन कोविड लग गया, और कोविड के बाद आज जाके हुआ है। तो अब आप सब आए हैं, इस जगह को और ब्यूटीफुल बनाया है, और तो इसलिए तो हमें तो और खुश हो रहा है कि 100% आप लोग का ब्लेसिंग रहा तो चलना ही चलना है। और राखी जी के बिहाफ पर कहूँ तो यहाँ से ईस्ट से लोग वेस्ट जाया करते थे, जब वही चीज़ उनके मोहल्ले में उनके आसपास मिलेगी तो फिर इतनी दूर क्यों जाएंगे। तो यंगस्टर के लिए, यहाँ के जो लोग पसंद करते हैं जाना समझते, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है यहाँ के लोगों के लिए। ये कम से कम आजकल के दौर में कसम खा के कह रही हूँ भैये, पेट्रोल इतना महंगा चल लिया है, बताओ वेस्ट कैसे जाएंगे? अब इन्होंने यहाँ पर लगा दिए, जितने पेट्रोल में वहाँ जाएंगे, यहाँ आके धूम मचाएंगे। अगर यहाँ नहीं आए तो गुर्दे छीलेंगे क्या? मैं कसम खा के कह रही हूँ राकेश भाई के गुर्दे छील दूँ अगर अच्छी सी सर्विस ना मिली। मैं बहुत तबा बैठा हूँ अपने कंजूस सेठ। अच्छा, आज पहला दिन है और जो क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लग नहीं रहा है कि आज पहला दिन? जी सर, आप लोग का ब्लेसिंग है, ऊपर वालों का ब्लेसिंग है, काफ़ी मेहनत किया गया है, आप सब आए और बहुत बहुत आभार आप सबका, उम्मीद करते चलते रहे आप लोग की दुआओं से। ये बिल्कुल चलेगा और हमारी भी दुआएं हैं, मीडिया आपके साथ है और आपकी सर्विस। जी सर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसके अलावा और कहीं में या प्लान है? इन फ्यूचर तो जरूर सक्सेस हुआ तो करेंगे, अपने खुद के प्रॉपर्टीज बनाएंगे और उस पर बनाते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो होपफुली जहाँ जहाँ बने तो एक बार सोचूंगा कि क्लब ही चालू करूँगा। क्या बात, क्या बात। इसी नाम से करेंगे। यहाँ से कुछ तो MIDC भी है। MIDC है, MIDC कॉरपोरेट के लिए काफ़ी प्लान है, इवेंट्स हैं, पार्टीज हैं, उनके जो भी इन्वेंट्री है वो सब चीज़ करके देंगे। यहाँ पर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है तो हम चाहेंगे कि दिन में भी जिसके भी पार्टीज हैं, बैंक्वेट्स हैं, वो भी आ सकते हैं यहाँ पर और अपना ये सर्विस ले सकते हैं। नाम बहुत अच्छा लगा। राकेश जी, किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे रखा गया? बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टीज हैं, आपकी कॉकटेल्स पार्टीज हैं, आपकी इवेंट्स हैं, ओपनिंग्स हैं, सेरेमनीज होंगे, या किसी कॉरपोरेटों के जो भी होंगे प्रोग्राम्स इनर, वो सब प्रोग्राम्स के लिए पर यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। एंजॉय तो शुरू हो चुका है क्योंकि बहुत प्यारा क्लब यहाँ पर खुला है। राकेश जी ने ये हम सब के लिए एक जो गिफ्ट दिया है मैं समझता हूँ, और जैसा कि मुझे बताया कि मेरे लिए लाइफ टाइम फ्री है, मैं यहाँ पर जब भी आऊँ कुछ भी करूँ। राकेश जी कह रहे हैं ना, जी सर, फ्री है ना, मीडिया के सामने कह रहे हैं। तो कसम खा के कह रही हूँ, आप सब गवा रही हो, बता रही हूँ मैं।
सर एक से दो कराएंगे तो भी फ्री होगा क्या? अरे वाह, मीडिया मेरे साथ है, एक से दो ही है साथ ही आई है बेगम साहिबा, काफी लोग लाइनअप है आने वाले हैं और उनके भी ब्लेसिंग मिलने वाले, टाइम फ्रेम में आपको बताते जाएंगे, हमारे फ्लायर रिलीज होंगे वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएंगे। जी सर, मार्केटिंग में काफी लोग, मैडम ने काफी मदद किया हुआ है और भी काफी यूनिट्स लगी हुई है और इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मदद हमारे साथ बना रहे इनका, ये हम उम्मीद करते हैं। पूछ लीजिए, बस बार के बारे में मत पूछिए क्योंकि मैं बच्ची हूँ। ओके, गो ऑन। बहुत अच्छा है, डेकोरेशंस बहुत प्यारी है और ये सब लाइट्स वगैरह लैंप्स वगैरह बहुत प्यारे हैं, ये सब बैम्बूज जो है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। हाँ, हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे, खाना वाना खाएंगे, मस्ती वगैरह करेंगे। मेरा एक सीरियल चल रहा है हप्पू की अंडरबिल्टन, एक कॉमेडी शो है जो कि भाभी जी से पहले आता है, रात 10 बजे ऑन आल टीवी मंडे टू फ्राइडे, तो देखना ना भूलें, ओनली ऑन आल टीवी। जिसमें मेरा कैरेक्टर है चमचे का, जो दादी की चमची है, और उसमें बहुत सारे अतरंगी कैरेक्टर हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे अतरंगी बच्चे हैं जैसे कि रितिक, चमची, रणबीर, मलाइका के, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप ज़रूर देखिए हमारा शो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, एंट्री से लेके एग्जिट तक सब बेस्ट है और यहाँ पे जो अच्छे से डेकोरेट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बड़ा बने और बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, बॉलीवुड वाले भी आए, हम लोग भी आए और नॉर्मल पीपल भी आए यहाँ पे, तो आज का क्राउड भी यहाँ पे अच्छा है और आई होप कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। आज व्हाइट फॉरेस्ट में कितना एंजॉय करने वाले हो? आज तो फुल ऑन एंजॉय, बहुत एंजॉय करने वाले भाई, तेरे साथ नाचूंगा मैं। सच्ची क्या पार्टी की बात की जाए, क्या यहाँ पे पार्टी भी करेंगे ना? नहीं यार, क्लब में आके हम लोग पार्टी थोड़ी करेंगे। मैंने डिसाइड किया यार, नहीं मैंने क्या डिसाइड किया, जो भी मेरा इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो प्रोजेक्ट का यहाँ पे ओपनिंग किया जाए, यहाँ पे लॉन्च किया जाए, ट्रेलर लॉन्च हो, चाहे म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो, कुछ भी हो यहाँ पे किया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लोकेशन है, मतलब जो एनवायरमेंट है यहाँ का अच्छा लगा मुझे। हालांकि आने वाला कुछ नहीं है इसका, पर ये डिसाइड करने वाला हूं मैं। दोनों के पूरे हो गए क्या? एड्रेस मेरे 21 हो गए, मैं 20 मैं 21 हूं, बट ठीक है 21 कंटिन्यू। चलो आप लोग पास हो गए, आप लोग पास हो गए, ये अच्छे से जाना ही नहीं है, पर म्यूजिक से ही मैं पता लगा लेता हूं कि चीज कैसी है, क्योंकि मैं सिंगर हूं, मैं पहले पता चल जाता कि कैसा प्लेस होगा। जब मैं एंट्री करी, लिफ्ट से बाहर निकला तभी पता चल गया था कैसा है। मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को वाइट फॉरेस्ट की, और ये आप सबको बताता हूँ, बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इसको अच्छे से लोगों तक पहुँचाना, ताकि सब लोग यहाँ पर जल्द से जल्द आए, और मैं भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी यहाँ पर उपस्थित होने वाला हूँ इसी महीने में। और एक भी पिलर नहीं है जगह में भाई, दबे यहाँ रोड लेना कहीं पे भी। आमिर भाई, कितना पार्टी में जाना या नाइट क्लब में जाना आप पसंद करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, जो एक सागर है इसके साथ मैंने कम से कम 30-40 शोज किए हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत ही कम पार्टी में अटेंड करता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, और अभी ये सीज़न भी है कि बहुत बिजी हूँ, कैसे ना कैसे करके वक्त निकाल कर आया, क्योंकि प्लेस स्पेशल था और इस पार्टी में शायद ज़रूर मज़ा आने वाला है। और दूसरी बात आप सबसे ये भी कहनी है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते, अभी डीजे हार्दिक के साथ मेरा गाना आने वाला है, जो इंडिया का सबसे यंगेस्ट डीजे है, उसके बाद जो इंडिया की सबसे नंबर वन फीमेल डीजे है डीजे रिंक, उसके साथ मेरा सॉन्ग आने वाला है, उसके बाद और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आपको इस न्यू प्लेस पर मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि अंधेरी इसमें बहुत सारे और भी प्लेसेस खुले हुए, आपने देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर ये आपको अलग नज़र आएगा डेफिनेटली, क्योंकि 600 शोज कर चुका हूँ, प्लेस को पहचान लेता हूँ मैं। एंड ऑल द बेस्ट यू, बहुत थैंक यू सो मच विक्रम भाई। और सर इनका खुद का जगह है, 3 साल होल्ड कर गया, क्या यहाँ पे आमिर भाई का भी परफॉर्म अगर कभी फ्यूचर में हो पाएगा क्या? अमीर भाई आएंगे तो अमीर भाई का वेलकम, हम तो चाहते हैं इनका डेट मिले, यहाँ पर आए वो समय दे,
और अच्छा सा परफॉर्मेंस करें, परफॉर्मेंस में तो कोई डाउट नहीं है, नाम ही काफ़ी है। देखिए ये प्ले, ये जो जगह है पूरी ये इनकी है और 3 साल से इन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था, अब ये फाइनल खुली है। मीडिया जो होती है सब में बड़ी होती है, सच और अच्छा और सुंदर खूबसूरत दिखाती है, सबकी मेहनत दिखाती है। अगर वो ये सब चीज़ ना दिखाए तो उसको शूट करना और दिखाना भी बिल्कुल बेकार है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि हर चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करें और जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए इन सबकी मेहनत। लाउंज और कैफे लाउंज को क्लब को चलाना इतना आसान नहीं है, दिन रात उठना पड़ता है, अपना काम को छोड़ना पड़ता है, अपने आराम को खोना पड़ता है। तो आप जितनी भी यहाँ पर कैमरे से जितनी भी टीम है यहाँ पर, आप सबका थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया हाथ जोड़कर। मेरा नाम है आमिर मीर और बहुत जल्दी मैं आपको स्क्रीन पर भी नजर आऊँगा अपने अगले गाने के साथ। थैंक यू सो मच। आमिर भाई, देखिए अभी क्या नाम है, आप स्टार प्लस पे देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में एक शो आ रहा है स्टार प्लस पे, इसमें बहुत पॉपुलर है, सबसे नंबर वन पर चल रहा है, उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया है। फिर छोटी सरदारनी आप देख रहे हैं कलर्स पर, उसमें एक सॉन्ग मैंने गाया है और डांस इन डांस सुपर मॉम का एक सॉन्ग मैंने गाया है। उसके बाद मेरी एक एल्बम भी आई है सना खान के साथ जिसका नाम है चंद माही आजा, कंपोज़ किया है, लिखा है मैंने और सना ने फीचर किया है। आप सबके सपोर्ट से 6 मिलियन पर है गाना और अब मेरे 3 गाने हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डीजे हार्दिक के साथ जो इंडिया के यंगेस्ट नंबर वन डीजे है, और दूसरा आ रहा है इंडिया की नंबर वन फीमेल डीजे डीजे रिंग के साथ। आप सब सपोर्ट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई वांट टू से बेस्ट लक टू व्हाइट फॉरेस्ट, इट्स एन अमेजिंग प्लेस विद अ नाइस वाइब, कम एंजॉय ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स अ शेर पंजाब, आई लव इट, यू लव इट, बैंग बैंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक्स माय ब्रदर्स आल्सो हियर, थैंक यू दैट्स सागर, यो अप्रिशिएट इट गाइस एंड थैंक यू एंड यू नो ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स रॉक इट। एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू से? What is like the theme out here, man? Theme is we're welcoming everybody in the sense from 18 to 60. Yeah. Anybody can come. You heard it? Jawan ho ya uncle, auntie, ya nana, nani. Aao enjoy karo. White forest mein. Bye, thank you. Thank you. Jo Andheri East mein, I think bahut kam achhi jagah hai. I think this is one of the finest place in Andheri East near Sher-e Punjab. So I wish all the best to the team and सब लोग आओ, एंजॉय करो एंड हैव अ ग्रेट टाइम एट व्हाइट फॉरेस्ट लॉन्च। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं GST गुरुचंद तिवारी, आपका बॉलीवुड एक्टर, और चूंकि हमें यहाँ पे नजमा जी ने और वशीम जी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ का लुकआउट लगा, चूँकि ये ओपन रूफ है, एक्चुअली सब जगह ना बंद बंद सा रहता है, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, तो वो देख करके मुझे अच्छा लगा है। और डेफिनेटली आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस बाकी आप हमें अपने टीवी पे और बाकी थिएटर्स में भी देख सकते हैं और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो, मेरा नाम कियारा दीवान है और मैं मॉडल हूँ और यहाँ पर आज मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ यहाँ पे। थैंक यू। और एक्चुअली एक बात बोलना था, मेरा लास्ट वीक एक गाना रिलीज़ हुआ है अल्लाह दी नमाज, जी म्यूज़िक पे सलमान अली का गाना है और आई थिंक आप काफ़ी लोगों ने देखा है और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, तो आई थिंक बस वो गाने को सपोर्ट करो और शेयर करो, बहुत प्यारा गाना है, बनारस की पूरी स्टोरी है, लव स्टोरी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखना। थैंक यू। काफ़ी इंटीरियर बहुत ही अच्छा किया गया है, हम लोग बहुत क्लब्स घूमे, बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन ये बहुत ही मैसिव है और बहुत अच्छा बनाया गया, तो बस कॉन्ग्रेचुलेशन है सर को कि इतने अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। और बस ये एक बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हम लोग भी यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं, बिल्कुल ना सर? यस यस, वीडियो तो सर आप हमेशा आए हमारे लिए और हमारा सौभाग्य बड़ा इधर आके। नहीं नहीं बिल्कुल, ये हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं और देखते हैं अभी थोड़ा बैठते हैं सर के साथ, उठते हैं, देखते हैं खाते पीते हैं कैसा है, बाकी सारी डिटेल्स आप लोग को हम लोग चाहिए तो हमारे व्लॉग्स के थ्रू भी दे देंगे, हमारे वीडियोस के तरह ही आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी हम लोग दे देंगे। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन सर वापस से वंस मोर, और आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और यहाँ पे आया, धन्यवाद आप सब लोगों का। वेन्यू तो बहुत अच्छा है, बहुत सुपर्ब है, तो हम तो हमेशा आने का ट्राई करेंगे, तो आप लोग भी यहाँ पर आओ, एंजॉय करो, बाकी हम लोग प्रमोट करते रहेंगे जितना हमसे होगा। मैम सर आप लोगों से क्वेश्चन है, काफ़ी जो है ऐसा क्लब खुला हुआ है, आज नया ओपनिंग है,
नहीं बिल्कुल यार, ये मतलब ऐसा एम्बियंस, ऐसी चीजें, ऐसी वाइब, मेन तो वाइब मैच करनी चाहिए, वो वाइब यहाँ पे काफी अच्छी है, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा एंट्रेंस में ही, हमको काफी अच्छा लगा, तो होप सो ये बहुत अच्छा जाएगा और वेल विशेस है सर के साथ, काफी अच्छा होगा। चलो ओके, थैंक यू। जी बड़ा प्यारा टाइटल है वाइट फॉरेक्स, और राकेश जी इसके ओनर हैं। मुझे आज यहाँ आके ये लगा कि मैं आज वापिस 16 साल का हो गया हूँ, और ख़ास करके तो मीडिया को देखकर, क्या सारी मीडिया यहाँ दुआएं देने आए। राकेश जी आप बहुत भाग्यशाली हैं आप कि ये इतने सारे फिल्म के सारे लोग आ गए। मैं समझता हूँ कि इस एरिया के अंदर अंधेरे में ये इतना बड़ा सबसे पहला लॉन्च है कि जो कि फैमिली लॉन्च है जिसको कहना चाहिए, कि इस तरीके के अभी होया नहीं, बब बहुत से हैं हमारे यहाँ लोखंडवाला वगैरह में, मगर फैमिली कम लगते हैं, मगर यहाँ आके ऐसा लगा कि आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। ये लॉन्च के नाम से बहुत ही प्यारा है, और बाकी तो जब आते रहिए जाते रहिए, आपको कुछ ना कुछ होगा। मैं राकेश जी को यही कहूँगा, सर एक मेरा गाना बहुत हिट हुआ है, जो मैं इन बच्चों को तो सब मालूम है मगर आपके लिए भी गा देता हूँ। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। व्हाइट फॉरेस्ट, आई लव यू, यू लव मी। तो राकेश जी आप हमें इसी तरीके से प्यार दीजिए, और आप मीडिया से भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप मेरा इंटरव्यू हर जगह देते हैं, इस लॉन्च के लिए भी सब जगह भेजिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और हमको सराहे, राकेश जी को यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे रिजल्ट रहे संगीत का? बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने समय निकाल कर हमारे इस क्लब में इस सुंदर और अति सुंदर बनाने का कार्य जो किया हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। और आते रहे जब समय मिले सर, अपना समय दे हमें और आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू सर, मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं तो अभी अभी पहुंचा हूं, मैं यहां पे हूं जॉइंट फिल्म्स की तरफ से, उनके वजह से नाजमा जी और वसीम जी बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने इनवाइट किया है। वेल अच्छा खासा बड़ा स्पेस है ये, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो आई थिंक मज़ेदार शाम होने वाली है, अब देखते हैं। बहुत कम एक्चुअली, मेरे नाइट क्लब जाने का दौर आई थिंक ख़त्म हो चुका है, मेरे 20s में जब था तब, लेकिन अभी सिलेक्टेड पार्टीज़ में जाना, सिलेक्टेड जगहों पे जाना मुझे अच्छा लगता है, खास करके जब आपके फ्रेंड्स हो, आपके आपके लोग आपके साथ हो, तो जाने में मज़ा आता है। और क्या कुछ चल रहा है निजी जीवन में, कुछ क्या दर्शक देख पाएंगे? वेल अभी करंटली तो मैं कुमकुम भाग्य कर रहा हूँ, जो जी पे अच्छे खासे चल रहा है। अनुपमा में पता नहीं मेरा ट्रैक वापस आएगा या नहीं। जॉइंट फिल्म्स के साथ मेरी वेब सीरीज इल्ज़ाम अभी रिलीज़ पे है, बस रिलीज़ के कगार पे है, बहुत जल्द आने वाली है, सो जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट। राकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? रुशाद राणा आपके बीच में आए हुए आपके लॉन्च पार्टी में, हेलो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो सर, देख देख के सीरियल आपके समय निकाले बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। राकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे रुशाद जी अपना कीमती समय निकाल के आपके बीच में? वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत इनको देख देख के टीवी सीरियल हम लोग मतलब अनुभव किए कि चलो ऐसा रोल कहीं देख के एहसास होता है कि सचमुच स्टार है, और इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और हमारे वहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, समय निकाले अपना और आते रहिए, हमारे विनंती है उनसे। जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।